बटिया गढ़ का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिसमें महिला नसबंदी शिविर के दौरान इस अस्पताल में कोई भी सुविधा ऐसी नहीं थी जो कि महिलाओं के लिए जो साधन होने चाहिए, जैसे पलंग और मेन गेट के पास जो सीढ़ी है वो भी टूटी हुई थी और इस प्रकार की नहीं थी कि मरीज या विकलांग लोग उस पर चल सकें। मतलब ओटी से जो मरीज को पैदल चला के इसी लाया जाता है, क्योंकि वहाँ का सर्जन जो एटीटी सर्जन होते हैं ना, जब ऑपरेशन करते हैं उनके स्पष्ट निर्देश रहते हैं कि हम ये मरीज को चला के आप ले जा सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं। और ज़्यादा जमीन भी लेटा नहीं, जमीन पर इनको नहीं लेटा जाता है, इनके लिए हम किरा के गद्दे बुलाते हैं, है ना, और भी टेंट की व्यवस्था करते हैं, उन गद्दों पर लेटाया जाता है। तो जितने सब ऐसे ऐसे लाए, दो दो जने पकड़ कर लाए और डार दा मरीज हैं सही आपके सामने पर भी हाँ तो बोल लिया उत्ते ऊपर का हाथी बपन में से ऊपर पार रखते पलंग पर पार रखते अब धरती में डार रहे हाँ अच्छे को व्यवस्था बन जा पार कर ला मैं ढो रहा हूँ कलोर कर दो दो आदमी दो बार डार दे। तो हमारे यहाँ 30 बेडेड हॉस्पिटल है, मात्र 30 पलंग का हॉस्पिटल है ना, और मरीजों की संख्या ज़्यादा रहती है ना, और वो हॉस्पिटल हैं ऑलरेडी जो संस्थागत प्रसव कराने के लिए महिलाएं आती हैं उनके द्वारा भरी हुई रहती है। यहाँ पर मरीजों को पूरी जितनी किस्म की दवाइयों की आवश्यकता होती है वो सब दी जाती है, 5 दिन की दवाई दी जाती है और दवाइयों की यहाँ से कोई कमी नहीं रखी जाती है। शिविर से नसबंदी के बाहर अर्ध चेतना की हालत में ही उनका अंगूठा लगवाया जाता था और राहत राशि भी दी जाती थी हाथ में ही। इस अस्पताल के जो अधिकारी हैं, स्वास्थ्य अधिकारी, उनके द्वारा जिले में बात करने के बाद वहां से बजट आया और जो यहां बदलाव आया वो ऐसा है जो कि नसबंदी कराती हैं उनके लिए पलंग भी डाले गए और जो राहत राशि है अकाउंट में भी जाएगी अब, और जो मेन गेट की सीढ़ी थी उस पे भी चलने के में उन्हें आसानी होने लगी है। यह बदलाव इस शिविर शुरू होने से पहले ही इन्हें व्यवस्थाएं मिल गई और साधन मिल गए, जिससे मैं ही नहीं इस समुदाय के सभी लोग खुश हैं जो स्वास्थ्य केंद्र वटियागढ़ से जुड़े हैं। तो हमने जिलाधिकारी से बेड्स की व्यवस्था की, उसमें हमने प्रयास किए और ये जो बेड हमने पलंग वगैरह बनवाए हैं, तो जितनी महिला आती नसूनी शिविर होती उनके लेटने के लिए हमने व्यवस्था की है, ये हमने बदलाव किया है। और महिला को लेटाने के लिए क्या व्यवस्था की गई है? पलंग है, पलंग भी मिल रहा है, गद्दा भी मिल रहा है, सब व्यवस्था है। नहीं, आपके द्वारा जो सोच हमारे सामने रखी गई और हमें बताया गया है ना, तो हमें आपका जो हमने जो बताया था सवाल बताया कि ये थोड़ा सा ये कमी है या ये कराना है, तो हमने कराने की कोशिश की और हमने करा भी दिया और अभी हो भी रहा है। मैं आरती वाल्मीकि वटियागढ़ जिला दमोह मध्य प्रदेश से इंडिया अनहट के लिए।